Now we will convert that structure into a class. So you need to remember the steps. कि कौन कौन सी चीजें चेंज करते हैं हम, तो स्ट्रक्चर से क्लास बनाई जा सकती है। तो पहली चीज मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। पहली चीज मैंने चेंज की कि जहाँ वर्ड स्ट्रक्चर था वहां इसको कर दिया क्लास। फिर दूसरा मैंने चेंज क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आपके डेटा टाइप थी स्ट्रिंग नेम एज, वहां पे इसको बना दिया पब्लिक, क्योंकि हमें एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें हमने बना दी पब्लिक। लेकिन अगर आप इनको पब्लिक ना बनाए, इनको आप प्राइवेट बनाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, गेटर सेटर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको गेटर सेटर बनाने के लिए हमने क्या किया, गेटर सेटर को बनाने के लिए हम यहाँ पर वो फंक्शन जो हमने बाहर बनाए थे सेट स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट, वो फंक्शन हम यहाँ पर अंदर डिफाइन कर देंगे। ये जो प्रोटोटाइप कहाँ आ जाएगा, गेट स्टूडेंट और सेट स्टूडेंट, ये इनसाइड द क्लास आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने इनसाइड द क्लास दे दिया, गेट स्टूडेंट एंड सेट स्टूडेंट। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम गेट स्टूडेंट और सेकेंड स्टूडेंट देते हैं, तो ये क्लास है और ये मेंबर फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शन के अंदर हमें ये बताना नहीं पड़ता ये किसका मेंबर फंक्शन है। देखें, स्ट्रक्चर में तो हमें बताना पड़ता था, क्योंकि वो फंक्शन था, सिंपल फंक्शन। अब वो फंक्शन के अंदर हम जो पास करें, वो स्ट्रक्चर पास करें, वो हमें बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये क्लास सेट क्लास स्टूडेंट का मेंबर फंक्शन है। तो इसके अंदर हमें एक्सप्लिसिटली ये स्टूडेंट पास करने की जरूरत नहीं। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, नो पैरामीटर, देयर विल बी नो पैरामीटर। ये ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन बन गया, तो हमें पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो हमने फंक्शन बाहर डिक्लेयर किए हुए थे, इन फंक्शंस को हम हटा देंगे, क्योंकि हमारी डिक्लेरेशन क्या है, मेंबर फंक्शन इसके अंदर हो चुकी है, क्लास के अंदर हो चुकी है। अगर आप इसको रहने भी दें तो कोई शायद इशू नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद ही डेफिनेशन आ रही है। लेकिन इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से जी हटा देंगे, और पूरा फंक्शन हटाएं तो फिर भी सही है, क्योंकि अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया काफी सारा, ये हटा दिया और डेफिनेशन रहने देंगे। अब डेफिनेशन में बताता हूँ क्या चेंज होगा। नीचे जाते हैं हम फंक्शन की डेफिनेशन में, और फंक्शन की डेफिनेशन में वही, जैसे मैंने कहा ये मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके में अंदर स्टूडेंट पास बाय रेफरेंस होगा, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के सामने लिखेंगे और स्कोप ऑपरेटर यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेट स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करता है और उसका मेंबर फंक्शन है। इसी तरह से गेट स्टूडेंट के अंदर भी जो क्लासिफायर जा रहा है इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद यहाँ पर क्लास का नाम यूज करते हुए हम स्कोप ऑपरेटर के जरिए बताएंगे कि ये फंक्शन गेट स्टूडेंट स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास जो चीजें होंगी वो सेम होंगी, लेकिन हमें देखें वहां पे जैसे हम एस पास कर रहे थे, स्टूडेंट बता रहे थे कि स्टूडेंट एस है, यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंबर फंक्शन डायरेक्टली इसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ हमें एस डॉट बताने की जरूरत नहीं है, हम ये हटा देंगे, सिंपल नेम इज एक्सेसिबल। अनदर चेंज इज दैट नेम इज एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, ये कवर हो गया दोनों फंक्शन में, गेटिंग में और भी सेटिंग में। तो मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने क्लास का नाम कर दिया क्लास स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बजाय, उसके अंदर मेंबर फंक्शन ऐड किए, मेंबर फंक्शन जो हम पहले फंक्शन बना रहे थे उसमें पास बाय रेफरेंस कर रहे थे डेटा, तो पास बाय रेफरेंस करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेंबर फंक्शन है तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ से हमने अंदर जो हमने मेंबर फंक्शन के अंदर s1 dot something s2 dot something कर रहे थे वो हटा देंगे, तो get स्टूडेंट के अंदर और set स्टूडेंट के अंदर दोनों में हटा दिए मैंने। अब आ जाते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस करेंगे। देखिए मेन प्रोग्राम में हमने जो ये रहा मेन प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट s1 बनाया। अब s1 इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लास की एक ऑब्जेक्ट बन गई।
तो अब हम इसमें सेट स्टूडेंट इज अ मेंबर फंक्शन, तो इसमें एस स्टूडेंट पास करने के बजाय इसको कॉल करेंगे एस वन डॉट सेट स्टूडेंट, तो ये हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा क्लास में, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है क्लास का, सेट स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे एस वन डॉट गेट स्टूडेंट और यहाँ से भी दरमियान से इसके निकाल देंगे। और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे थे किसके ऊपर, आउटपुट फाइल स्ट्रीम में, वहाँ हमें ये यूज करना पड़ेगा जैसे हमने वहाँ पे यूज किया था कि हम एस वन डॉट नेम को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी एस वन का नेम है, एस वन स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट है उसका नेम। अब ये नेम यहाँ पर पब्लिक होना चाहिए, अगर प्राइवेट होगा तो ये एस वन डॉट नेम एक्सेसिबल नहीं होगा, एस वन डॉट एज एक्सेसिबल नहीं होगी अगर ये पब्लिक हो, प्राइवेट होगी तो यहाँ पर है, ऑलरेडी हमने पब्लिक बनाई है तो ये पब्लिक एक्सेसिबल है, और इस तरह से हम फाइल के अंदर राइट करवाने के लिए ये काम कर सकते हैं। अच्छा, चेंज देखने के लिए हमें ये देखना है स्टूडेंट प्रोफाइल, और इस फाइल का नाम रखते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल यूजिंग क्लास, यूजिंग क्लास। ये हमने किया कि हमने उस फाइल का नाम चेंज कर दिया ताकि हमें पता लगे कि जो स्ट्रक्चर वाली फाइल थी वो क्या थी और क्लास वाली फाइल उसके अंदर क्या। अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि उसमें कोई ऐसा चेंज तो नहीं हो, हमने मिस कर दिया हो और रह गया हो कोई एरर, जो चीज़ें मिस कर दी हो। हम तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया कि क्लास स्टूडेंट बनाई, उसमें हमने पब्लिक फंक्शन, पब्लिक डेटा मेंबर बनाए हैं तीन, दो फंक्शन बनाए हैं और ये मेंबर फंक्शन है, तो इसलिए हमें इन फंक्शन को ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करते हुए कॉल करना होगा मेन के अंदर, और इसके वेरिएबल को ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करते हुए कॉल करेंगे। और जब हम इसके फंक्शन की डेफिनेशन देंगे वहाँ पे हम क्लास का नेम, फिर स्कोप ऑपरेटर और देन फंक्शन का नेम यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेस होंगी वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगी, हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा मेंबर फंक्शन है। इसी तरह सेट स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट में हमें मेंबर फंक्शन को यूज़ करते हुए क्लास को यूज़ कर सकेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोग्राम को चला के देखते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हुई फाइल, यहाँ मैंने नेम रखना शुरू किया स्टूडेंट का, जो रह गए थे लेट्स सपोज मैं रैंडमली नाम रख रहा हूँ सात, एज 20, सीजीपी 4, नौवान, एज 15, सीजीपी 3, सुलेमान, एज 71 और सीजीपी है इसकी 4। इसी तरह अकरम, एज 25, सीजीपी 3.5, असलम, एज 60, सीजीपी 3.6, अदनान, एज 18, सीजीपी 3.5। अच्छा, कुछ फीमेल के नाम भी ले लेते हैं, चले हीरा, एज 18, सीजीपी 2.5, अलीशा, एज 12, सीजीपी 4, किरण, एज 18, सीजीपी 2.3, फिर नेम ले रहते हैं साइमा, एज 19, सीजीपी 3.6। 10 स्टूडेंट मैंने एंटर कर दिए, ठीक है, और 10 स्टूडेंट एंटर करने में मुझे जो टाइम लगा है वो लगा है 104 सेकंड। कितने 104 सेकंड में हमने रिटर्न किया इसने एग्जिट प्रोग्राम आफ्टर 104 सेकंड रिटर्न 0। अब आते हैं पॉइंट पे, व्हाट वी आर डूइंग, हमने देखना है ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ओके जी हो गया, करंट आ गया। अब हम देखते हैं हमारी जो फाइल है, क्या हमारे पास वो फाइल बनी कोई, या ये बन गई, देखें स्टूडेंट प्रोफाइल यूजिंग क्लास, डबल क्लिक करेंगे देखें पूरा स्टूडेंट प्रोफाइल का डेटा जनरेट हो गया।
जब मैंने नाम एंटर किए थे वो आउटपुट स्क्रीन पे भी आ गए थे और यहाँ भी सारे डेटा एंटर हो गया आखिरी नाम पर। ये प्रोग्राम हमने क्लास के जरिए बनाया, ठीक है। तो आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस। स्ट्रक्चर्स डेटा मेंबर्स यूज करते हैं सिर्फ, क्लासेस डेटा मेंबर भी और फंक्शन मेंबर। कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन है सर, अगर ये जो गेट स्टूडेंट हमने बनाया है फंक्शन सर, ये पब्लिक में, इसको अगर हम प्राइवेट में बनाएं तो सर इसको एक्सेस कैसे करेंगे सर? प्राइवेट में अगर फंक्शन बनाएंगे तो उसका फायदा नहीं है। अगर प्राइवेट में बनाएंगे तो फिर उसके लिए आपको पब्लिक फंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कॉल करेंगे। थोड़ा समझाएं सर कैसे करें। सोहेल, सवाल किसने? जी सर सोहेल ने। सोहेल अगर तुम ये बना रहे हो, यस सर, सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर ये आप कर देंगे ना इसको प्राइवेट, private प्राइवेट हो गया, ये दोनों फंक्शन आपने क्या कर दिए, प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट बना दिए, प्राइवेट बना दिए। तो आपको कोई पब्लिक फंक्शन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर जिसके अंदर ये प्राइवेट फंक्शन एक्सेस करें। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इंटर स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये बना दिया void इंटर स्टूडेंट प्रोफाइल, ये एक फंक्शन बना दिया, सही है। और एक और फंक्शन बनाऊंगा, वो क्या होगा, प्रिंट या शो स्टूडेंट प्रोफाइल। तो मैं ये कहूंगा प्रिंट प्रोफाइल, क्लियर हो गया। ये दो फंक्शन बना दिए मैंने। अब ये दो फंक्शन मुझे क्या करने होंगे, इनकी डेफिनेशन भी देनी है बाहर, बाहर जाके मैं उनको डिफाइन करूंगा। तो बाहर जाके डिफाइन करने के लिए, लेट्स सपोज यहाँ मैंने इसको डिफाइन करने के लिए बुला लिया और यहाँ मुझे बताना है कि कौन सी क्लास के फंक्शन है, ये है स्टूडेंट के, स्कोप ऑपरेटर यूज किया। और इंटर स्टूडेंट प्रोफाइल के फंक्शन को मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल कर लिया वो वाला जो हम मेन में कर रहे थे, गेट स्टूडेंट प्रोफाइल। ये जो सेट स्टूडेंट प्रोफाइल है ना, इस फंक्शन को आप कहाँ कॉल करेंगे, इंटर स्टूडेंट प्रोफाइल वाले में, बस उसमें बस यही करना है जी। तो अब ऐसे एक्सेस, ठीक है सर, बस ऐसे ही करना है सर बस। हाँ यानी अगर आप उसको बनाएंगे ना तो फिर प्राइवेट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सही है सर, वो समझ गया, समझ में आ गया। चलो मैं कर ही देता हूँ पूरा काम, तसल्ली भी हो जाएगी आपको। इसी तरह से गेट स्टूडेंट को आप क्या करेंगे, किसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट वाले में ले जाएं प्रिंट पर, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो ये प्रिंट प्रोफाइल मैंने ओपन किया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, एंड किया, इसके अंदर इसको कॉल कर लिया, इसके साथ मुझे बताना है कि ये स्टूडेंट का है, स्कोप ऑपरेटर यूज किया, प्रिंट प्रोफाइल। अब यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे थे फंक्शन, यहाँ हम वो करेंगे जो हमने पब्लिक फंक्शन बनाए, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन को हम नहीं एक्सेस कर सकते यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेट स्टूडेंट की जगह कर देंगे इंटर प्रोफाइल, और गेट स्टूडेंट की जगह क्या करेंगे, प्रिंट प्रोफाइल, ठीक है। ये आ गया प्रिंट प्रोफाइल, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और यहाँ अब देखें, क्लास मैंने अपेंड मोड में ओपन की है। अब मैं इसको 10 तक की चलाने के बजाय मैं इसको सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का डेटा और मज़ीद ऐड करवा रहा हूँ। तो मैंने इसको 2 कर दिया लूप को। अब हम एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को, कंपाइल एंड रन। यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ जी, कोई भी नाम लिख लेते हैं, सोहेल लेट्स सपोज लिख लेते हैं, एज इज 18, सीजीपी 3.8, और यहीं पे हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज फैसल, और सीजीपी एज इज 17, स्मार्ट है, छोटा है, ठीक है जी। और सीजीपी लेट्स सपोज 4 से नीचे तो बात ही नहीं करता। ये दो इंटर किए मैंने, स्टूडेंट इंटर हो गया डेटा, उसने प्रिंट करके भी दिखा दिया दो स्टूडेंट का डेटा। अब अगर हम जाके देखें हमारी जो फाइल थी उसमें क्या डेटा ऐड हुआ या नहीं। अच्छा, इसमें एक गलती की थी हमने, तो
फाइल को क्लोज भी किया तो ये प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से शायद डेटा इंटर ना हुआ होगा। तो हम देखते हैं नीचे, देखें ये आ गया फैसल एज 1740 और सोहेल, ये इंटर हो गया डेटा और पहले वाला डेटा भी एज इट रहा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी सर। तो प्राइवेट डेटा जो फंक्शन मेंबर है ना उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते मेन में, उसको पब्लिक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। किसी को एनी क्वेश्चन? वो स्पेसिफिक वाला जो फंक्शन आपने बनवाया था असाइनमेंट में वो थोड़ा समझाएं सर, वो समझ नहीं आता लेट मेथड कैसे कॉल करना है ये वो। कौन से असाइनमेंट में लेट मैसेज? सर वो जो इसमें पॉइंटर्स यूज करने थे सर क्लास वाले में। यस सर, स्पेसशिप से। जी सर। हाँ, स्पेसशिप, गुड, आते हैं उसकी तरफ। ये हो गया आपको क्लियर? इसी प्रोग्राम को मैं एक्सटेंड करके आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है? यस सर। अब मैं ओपन कर लेता हूँ, वो आपकी लैब थी, कौन सी थी? लैब 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 है आपकी, वो आखिरी लैब्स, लैब नंबर क्या है? ओवरलोडिंग वाली थी सर। 12 लैब नंबर तो बताएं ना। 12 सर, ओवरलोडिंग। 12 कर लेते हैं, ये टाइम ले लिया यहाँ पे। बैक जाते हैं LMS पे। देखिए स्पेसशिप और जो हमारे पास क्लास थी ना वो हमने दो क्लास यूज की थी। इसी तरह से जैसे हम स्टूडेंट को कह दें, लैब ओपन हो गई है और मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या था, ये था स्पेसशिप, कहता है क्रिएट क्लास कॉल्ड स्पेसशिप विद द फ्लाई मेथड, इनहेरिट शटल फ्रॉम द स्पेसशिप एंड Add a land method, ठीक है? Create a new shuttle, upcast by pointer or reference to spaceship, and try to call land method.